हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का लेसन नंबर 16, पानी रे पानी। सो इसमें क्या है, पानी से संबंधित जो है बातें आपको बताई जाएंगी कि पानी अगर ना हो तो क्या हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, और किस तरह की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी, हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सो ये क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहाँ से आता है और कहाँ पर ये चला जाता है, आपने कभी इस बारे में सोचा है? और खुद ही उसका आंसर भी दे रहा है, सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है भूगोल की किताब पढ़ते समय। भूगोल में जो आपकी EVS की बुक होती है उसमें पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। अब जल चक्र क्या है, इसके जो है ये जैसे आपका समुद्र हो जाता है और दैट विल बी क्लाउड्स, और ये हो गया आपका सूरज। तो क्या होता है, सूरज की गर्मी से पानी गर्म होता है और इसकी जो है भाप बनती है, वाष्प बनती है, और वो जो है ऐसे ऊपर जाती है, भाप बनकर जैसे ही ऊपर जाती है और वो फिर क्या है बादल बनाती है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो नीचे बारिश के टाइप से वो गिरना शुरू हो जाता है। इसका लास्ट में एक एक्सपेरिमेंट भी होगा इस वीडियो के। सो चलिए आगे करते हैं। जैसी बातें हमें बताई जाती हैं, एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ, और जब जल चक्र के बारे में बताया जाता है तो इस तरह का एक फ़ोटो भी होता है, चित्र होता है, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, और फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। सो इस तरह की पिक्चर जो है उसमें दिखाई देती है। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुंदर में मिलती दिखती है। तो अब नदी क्या होती है, जो भी चीज़ होती है लास्ट में घूम फिर कर वो क्या होते हैं, समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं, समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है और जल चक्र पूरा हो जाता है। सो जल चक्र क्या है, पहले ऊपर गया, उसके बाद बादल बने, बादल बनने के बाद वो वापस क्या होते हैं, नीचे आती है बारिश के रूप में, और वो वापस से समुद्र में गिर जाता है पानी जो भी होता है। सो उससे क्या होता है, जल चक्र जो है पूरा हो जाता है। इसी तरह से ये पूरा चलता रहता है। या तो ये जल चक्र की किताबी बातें, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। तो अब क्या चीज़ें सामने आ रही है कि अब पूरा टाइम जो है पानी नहीं आता। क्या होता है, पानी का एक टाइमिंग फिक्स हो गया है कि 8 बजे आएगा या 9 बजे आएगा या 6 से 7 बजे तक आएगा, जो भी है हर एक जगह पर टाइमिंग फिक्स हो गया है। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है, और जैसे पानी का टाइमिंग नहीं है उसके बाद भी आप नल खोल रहे हो तो उसमें सूसू की आवाज़ आती है, पानी नहीं आती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, बेवक्त मतलब जो टाइम नहीं है, या तो बिल्कुल सुबह आ रहा है या बिल्कुल रात का टाइम आ रहा है। सो इस वजह से बिना किसी टाइम के, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे, यानी कि कभी बहुत रात को आता है, भोर सवेरे मीन्स बिल्कुल सुबह 4 या 5 बजे के आसपास पानी आ रहा है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। अब अगर पानी के उस जब पानी आए उस टाइम पर पानी नहीं भरा तो फिर पूरा दिन चक्कर काटने पड़ेंगे, किसी से पानी मांगना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, जिस टाइम भी पानी आता है उसी टाइम उठकर अपनी नींद ख़राब करके आपको घर के बर्तन बाल्टियाँ जो भी हैं वो पानी से भरने पड़ेंगे। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तूतू मैं भी होने लगती है, और कई बार क्या होता है, तूतू मैं मीन्स उनकी लड़ाई भी होने लगती है लोगों के बीच में। रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इसमें कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है, और यह है तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई जो है कर लेते हैं। जैसे अब क्या होता है कि हर रोज़ जो है लड़ाई होती है इस बात को लेकर कि मुझे पानी नहीं मिला, या मेरी बाल्टी नहीं भरी, या इसकी भर गई, ये हो गया वो हो गया। सो इन तरह के ये इस तरह के झगड़ों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे घर में इस तरह से पाइप लगे होते हैं सबके घर के सामने, या घर के अंदर भी कोई लगवा लेते हैं, अब उन्होंने उसके साथ क्या कर दिया, एक मोटर लगवा ली। अब मोटर क्या करती है, वो जैसे इसका इसने मोटर लगवाई है, इसके पास में एक और जगह है, सो इन दोनों का पानी भी ये मोटर खींच लेगी, और इसमें ज़्यादा पानी आएगा और इन जगह पर कम पानी जाएगा, बहुत कम, यानी कि जब इसका पूरा भर जाएगा वो मोटर को बंद करेगा तो उसके बाद वहाँ पर पानी पहुँचेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा हो गया ना कि इनका हक छीन लिया, अब इनकी क्या गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में,
लेकिन उनके उन्होंने मोटर लगवा ली तो इसकी वजह से क्या हो गया है, इनके पास ज़्यादा पानी आ रहा है और इनके पास कम। लेकिन सब लोगों को लगता है भी अब क्या करें, क्योंकि बाहर तो लड़ाई होगी अगर जाएंगे, सो इसलिए सबका ये इस चीज़ को मजबूरी मानकर सब लोग इसको कर रहे हैं। एक घर कर बैठे तो फिर कई और घर कर यही करने लगते हैं। अब क्या होता है कि एक घर में मोटर लगवा ली तो दूसरे को लगता है कि ये मेरा पानी ले रहा है तो वो भी अपने घर पे मोटर लगवा लेगा। सो इस तरह से उसको देख देख कर बाकी सब लोगों ने अपने घर में भी क्या कर लिया है, मोटर लगवा ली। पानी की कमी और बढ़ जाती है। अब इससे क्या होगा, जिनके पास पैसे हैं या फिर जो लगवा सकते हैं उन्होंने मोटर लगवा ली, लेकिन जो नहीं लगवा सकते उनका क्या हुआ, उनके पास तो पानी बिल्कुल नहीं आएगा। पहले एक घर में थी तो कुछ पानी आ जाता था, अब 5-6 घरों ने लगवा लिए आसपास के, तो उनके पास तो बिल्कुल पानी ही नहीं आएगा। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों के लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। तो इसकी वजह से हर जगह परेशानी होती है, नहीं कि सिर्फ गांव या शहरों में, कहीं पर भी चले जाओ अगर पानी नहीं है तो सबसे बड़ी परेशानी यही रहेगी। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालत बन जाती है। अब अकाल क्या होता है, जब पानी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिना पानी के आप भूख प्यास से जो है मर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन, मतलब ना पौधों के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है, ना नहाने के लिए पानी है ही नहीं, तो क्या होता है, अकाल आ जाता है। मतलब एक तरह से सूखा वहाँ पर है। यह तो भी गर्मी के मौसम की बात, अब ये तो हो गया भाई गर्मी में, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब एक तरफ पानी ही बहने लगता है। फिर क्या होता है, जब बरसात आ जाती है तो पानी जो है बहने लगता है, मीन्स उसको जो है स्टोर करने के लिए कुछ नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई बड़े भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। अब मुंबई में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश आती है, और जब बारिश ज़्यादा आती है तो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि पानी का जो है सही तरीके से निकलने का जो सिस्टम है वो नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, रेल की पटरियों पर हर जगह पर क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है और सब कुछ बह जाता है, और बिल्कुल जो है सब कुछ वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि इतना इतना पानी भर जाता है कि चलने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना या फिर पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना। अब बिल्कुल कम हो जाएगा तो क्या होगा, अकाल यानी कि सूखा पड़ जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, उससे भी प्रॉब्लम है। सो अगर कम हो रहा है तो अकाल और ज़्यादा हो रहा है तो बाढ़। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, दोनों पानी से रिलेटेड है। अगर कम हो गया, जैसे हेड एंड टेल होता है, दोनों एक ही तरफ है, एक तरफ हेड दूसरी तरफ टेल, सो सेम है। अगर पानी कम हो गया तो अकाल हो जाएगा और ज़्यादा हो गया तो बाढ़ आ जाएगी। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं का हम छुटकारा पा मिल सकता है, या हमें इन सब चीज़ों से, जैसे अगर बारिश आती है, बारिश के पानी को स्टोर करके रखा जाए ताकि जब गर्मी का टाइम आए तो उस पानी को यूज़ कर ले, तो इस तरह से कई समस्याओं का, एक तो बाढ़ नहीं आएगी अगर उसको स्टोर करने का सही तरीके से यूज़ हो जाए, या उसको मतलब स्टोर करने का तरीका मिल जाए कि अच्छे से इसको कैसे स्टोर किया जा सकता है, तो पहली बात बाढ़ नहीं आएगी, और सेकेंड थिंग क्या होगा कि गर्मी के टाइम पर उस पानी को यूज़ किया जा सकता है, तो अकाल भी नहीं होगा, सूखा नहीं आएगा। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। अब गुल्लक होती है जो आपका पिगी बैंक होता है, जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। सो गुल्लक में क्या होता है, आपके पास जो भी पैसे आते हैं, जो भी आपको जेब खर्ची मिलती है, या फिर जो भी मिलता है, या कोई रिलेटिव आ जैसे वो देखे जाते हैं, सो वो आप क्या करते हो, अपने गुल्लक में डालते रहते हो, जैसे ही आपको ज़रूरत होती है आप उस गुल्लक का यूज़ कर लेते हो। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। सो ये भी क्या है, गुल्लक की तरह है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। तो अब जब बारिश का टाइम आता है, जो मैं बात अभी मैंने बोली कि बारिश का टाइम आता है, तो इस पानी को हमें जमा करना चाहिए। हमारे गाँव में, शहरों में जो बड़े बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी जमा करने का या भरने का काम करते हैं। सो उनसे क्या होता है, पानी भर जाता है उन जगहों पर। इनके जमा पानी
जमीन के नीचे छिपे जल भंडार में धीरे धीरे रिस रिस कर छन कर जा मिलते हैं। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ये लगाओ कि मिट्टी है और इसके ऊपर ये तालाब बना हुआ है। अब तालाब के अंदर पानी है, बारिश आई, क्लाउड्स, और यहाँ से बारिश आई, इसके अंदर पानी गया। सो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे जो है ज़मीन के अंदर जाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाता है तो क्या होता है, ज़मीन का जो जल स्तर है, मतलब जो बिल्कुल नीचे पानी होता है, वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। मतलब ज़मीन के नीचे भी पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे कुआं खोदते हैं तो पानी कैसे निकलता है, वो सब किस लिए होता है, क्योंकि बारिश के टाइम पर धरती में नीचे जो है पानी चला गया था। और इससे क्या होता है, हमारा भूजल, भू मीन्स धरती और जल में पानी, सो धरती के जो अंदर का पानी है उसका भंडार, यानी कि वो जो है ज़्यादा हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है। अब इसे हम ऐसे तो नहीं देख सकते, क्योंकि जब खोदेंगे तो आपको कुएं में पानी ज़रूर दिख रहा है, लेकिन वो पानी आया कहाँ से, तो वो पानी इसी जगह से आता है। इसलिए बोल रहे कि यह हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। तो अगर बरसात के पानी को अच्छे से स्टोर करके रखेंगे तो पूरा साल आराम से निकल सकता है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाब को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। अब क्या किया, धीरे धीरे जो तालाब वगैरह थे उनको बंद कर दिया, उनके ऊपर घर वगैरह या मकान ऐसे ही बना दिए। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। तो क्या हो गया, धीरे धीरे इनके ऊपर जो है बिल्डिंग्स बना दी गई या फिर रोड बना दिए गए। इस बड़ी गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें आसपास के जल स्रोत क्या होता है, जहाँ से हमें पानी मिलता है, जल स्रोत मतलब जहाँ से वो आता है, वो जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कमी नहीं होगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते ही चले जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे ही फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपका तालाब था, इसके अंदर मैंने पूरा कचरा वगैरह भर दिया और इसके ऊपर मैंने बिल्डिंग बना दी। अब अगर बरसात आ रही है तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। क्या होगा, वो ऐसे आपकी ऊपर के ऊपर बरसात आई, वो बिल्डिंग के ऊपर रह गई, और बाद में उससे पे से नल बनाकर या जो भी तरह से, किसी भी तरह से उसको निकाल के कहाँ पर, शिवर के अंदर डाल दिया जाता है, और वो पूरा पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। नीचे तो पानी जा ही नहीं पा रहा आपकी धरती के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है, अब पानी हम यूज़ तो कर रहे हैं, हमें ज़रूरत होती है, हम कभी कभी यहाँ से निकाल लेते, तो यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जो है भूजल, जो हमारा भंडार है, जो धरती के अंदर का जो पानी है, वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जो सड़कें हैं या फिर जो बिल्डिंग्स है या जो पक्के मकान हैं वो ज़्यादा भर गए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब बारिश आ जाती है तो बाढ़ जैसी सिचुएशन हो रही है, और जब बारिश नहीं आती, यानी कि बाकी का जो पूरा साल है, खासकर गर्मियों का जो टाइम है, उसमें बिल्कुल सूखे जैसे, यानी कि पीने के लिए पानी भी कई जगह पर नहीं मिलता है, इस तरह की समस्याएँ जो है देखने के लिए मिलती हैं। जल चक्र क्या होता है, वो कैसे बनता है, और किस तरह से फिर बारिश आती है जो कि आपके जब पानी रे पानी में है, सो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक बर्तन में पानी लिया है, गर्म पानी लेना है जिसमें से भाप निकल रही हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है एक प्लेट या कोई भी चीज़ रख देंगे, और फिर हमें थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए उसका जो है वेट करना है कि उसके बाद में क्या होता है। सो अभी हम वेट करेंगे इसके लिए। सो अब हम इस प्लेट को उठाकर देखेंगे कि क्या हुआ जब हमने इसको जो है गर्म पानी पर रखा जिसमें से भाप आ रही थी। ये देखिए, यहाँ पर जो है बिल्कुल पानी पानी हो गया। जैसे ही हमने इसे ऊपर किया, सो उसकी वजह से क्या हुआ, ये ठंडा हो गया है। ऊपर जाते ही पहले गर्म था, भाप उसके ऊपर आ रही थी तो वो ठंडा नहीं था, गर्म था, तो उससे चिपका हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे ऊपर किया है, ऊपर की तरफ उठाया, तो पानी की बूंदें जो है नीचे की तरफ अपने आप आ रही है और वो गिरना शुरू हो गई है, आप ये देख सकते हो। तो ये जो है पानी की बूंदें, जो भाप थी, वो जो है ऊपर की तरफ आई और वापस जो है फिर से
पानी बन गई है। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, जल चक्र होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ही जैसे समुद्र का पानी है वो गर्म होता है, और गर्म होते ही क्या होगा, जैसे इसमें भाप बन रही है ऊपर की तरफ जा रही है, सो उसी तरह से वो भी भाप बनती है और ऊपर की तरफ जाती है, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फिर बादल बन जाते हैं, और बादल बनकर जैसे ही वो फिर से ठंडी होंगी, जैसे ये वाली बूंदे थी, ये जैसे ही ठंडी क्या हुआ, नीचे की तरफ आना, फिर से बारिश की तरह आनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही जो है आपकी बारिश आती है, और ये आपका जल चक्र जो है इस तरह से चलता रहता है। इसके साथ ही आपके इस चैप्टर में पानी के पानी में एक बात और बोली गई है, भू जल स्तर के, भूजल स्तर क्या होता है, भूमि के अंदर जो पानी होता है, तो उसके बारे में बोला गया कि वो धीरे धीरे जो है बहुत नीचे जा रहा है। तो ये आप लगा सकती हैं कि ये जो है आपकी धरती है, ये कटोरी को मैंने जो धरती बोल दिया है, सो और इसके अंदर पानी है, यानी कि इतना जो है इसका जल स्तर अभी है, लेकिन ये कम कैसे हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि कम हो रहा है, सो कम कैसे हो रहा है वो अभी हम देखेंगे। सो भूजल क्या होता है, जो धरती के अंदर जो पानी होता है उसे हम बोलते हैं भूजल, यानी कि भूमि का जो जल है वो। तो अब इन्होंने बात की है कि भूजल स्तर जो है कम होता जा रहा है, अब कम क्यों हो रहा है उसका भी रीज़न है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी धरती इस तरह से, तो ये जो पक्की सड़कें हैं या फिर जो मार्केट बनी हुई या फिर बिल्डिंग्स बनी हुई है, फैक्ट्री बनी हुई, ये जो बनी हुई वो पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अभी क्या है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पहले जो है भूजल स्तर इतना नीचे नहीं था, वो इक्वली रहता था, क्योंकि क्यों रहता था, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बारिश आ जाए, ठीक है, अगर बारिश आ रही है तो क्या होगा, वो पानी जो है डायरेक्ट जो है भूमि के अंदर जा रहा है, अगर आपने उसमें से यूज़ किया और बारिश आई तो फिर से वो पानी क्या है कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। फॉर अब मुझे पानी की ज़रूरत है तो मैंने यहाँ से लिया और यूज़ कर लिया, फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है तो वो पानी फिर से उसके अंदर चला जाता है किसी ना किसी तरह से, कभी कम कभी ज़्यादा, बिकॉज जैसे ही बारिश आएगी तो पानी को कहीं जाने के लिए जगह चाहिए, और अगर कभी आप मिट्टी पे पानी डाल के देखो तो आप देखो धीरे धीरे पानी जो है मिट्टी के अंदर चला जाता है, और उसी से क्या होता है भूजल स्तर बनता है। तो पहले यही था, इतनी बिल्डिंग्स नहीं थे, फैक्ट्री नहीं थे, रोड नहीं थे, तो पानी जो है मतलब एकदम से जो है धरती के नीचे चला जाता था, और भूजल स्तर जो है इक्वल बना रहता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल बहुत सारी जो है बिल्डिंग्स बन गई हैं, रोड भी पक्के बन गए, मतलब कहीं पर भी कच्ची जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी, रोड के साइड में थोड़ी बहुत हो सकती है जहाँ पर मिट्टी वगैरह आपको मिल जाए, या फिर पार्क में जो स्पेशल बना रखा है, अदरवाइज सब रोड या सब जगह जो है पक्की हैं। सो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, अब जो है भूजल स्तर कम क्यों हो रहा है, इसका रीज़न देखिए, अब क्या हो गया है, पहले इस तरह से था, इस तरह से रहता तो बारिश आती डायरेक्ट जो है धरती के अंदर चली जाती, तो भूजल स्तर जो है इक्वल रहता था, जितना आपने यूज़ कर लिया उतना ही आपको जो है बारिश से मिल जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, जैसे मैंने बताया कि पक्की सड़कें रोड वगैरह वो सब यहाँ पर जो है बन चुके हैं, सो इसकी वजह से क्या होता है, ये धरती जो है इस तरह से पूरी जो है बंद हो गई है। अब आपको जब अगर इसके अंदर से पानी चाहिए या जब भी चाहिए होता है, सो इस तरह से हैंडपम्प लगाए जाते हैं और डायरेक्ट जो है वो पानी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आया हैंडपम्प से और पानी निकाल लिया। लेकिन जब बारिश आती है तो क्या होता है, जैसे ही बारिश आएगी तो वो पानी धरती के अंदर नहीं जाएगा, वो इस पे ऊपर ऐसे कि ऐसे ही रह जाता है, तो पानी धरती के अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन जब आपको यूज़ करना है आप उसमें से निकाल रहे हो बार बार, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर का पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए तो मैंने तो हैंडपम्प से निकाल लिया, लेकिन जब भूजल स्तर बढ़ाना है, जब धरती को पानी चाहिए, उसके अंदर पानी बहुत कम हो गया है, लेकिन जब ऐसे होता है उसको चाहिए होता है, तो क्या होता है कि बारिश आती है लेकिन वो बारिश का पानी नीचे नहीं पहुँच कर ऊपर ही रह जाता है, ऊपर रहता है तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो पानी जो है बाहर की तरफ फैलने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। अब देखो जैसे ही बारिश आती है वो पानी ऐसे ही ऊपर की ऊपर जो है रहता है, वो नीचे धरती के अंदर नहीं जा पाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही बारिश फॉर एग्जांपल और आ गई है या फिर और ज़ोर से आ रही है, तो धीरे धीरे वो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है, जिससे कि जो है नीचे जो इलाके होते हैं उनमें क्या होता है, वो पानी गिर जाता है और वहाँ पर जो है बाढ़ आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलती हैं। और अगर बारिश ना आए, फॉर एग्जांपल बारिश बिल्कुल भी नहीं आई है, तो क्या होगा, ये सारा पानी जो है निकाल दिया। अब बारिश आई ही नहीं, तो बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा, बारिश नहीं आएगी तो हम किसका पानी यूज़ करेंगे, भूजल स्तर का,
और भूमि का जब हम पानी यूज करेंगे तो धीरे धीरे वो पानी क्या होगा, बिल्कुल कम होता जाएगा। जैसे हमने ये यूज़ किया, हम इसे हैंडपम्प से, कुएं से, या मतलब अलग अलग चीज़ों से जो है इसे निकालते रहते हैं, तो हमने जो है इसे यूज़ कर लिया। अब ये देखो कि ये बिल्कुल कम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह से बने हुए हैं, रोड बना दिए हैं, बिल्डिंग्स बना दी, जिससे कि उसको नीचे जाने के लिए, पानी को नीचे जाने के लिए जगह नहीं मिलती। यानी कि हर जगह पर है, मतलब कुछ कुछ जगह जैसे पार्क हो गए, वहाँ पर आपको जगह मिल जाएगी, मिट्टी के अंदर से वो थोड़ा थोड़ा नीचे चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पर इस तरह से पक्का है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये रोड है, इसके ऊपर अगर मैं पानी डाला तो ये इसके ऊपर ही रह गया, ये अंदर नहीं गया है। तो इस वजह से क्या होता है कि भूमि का जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है। बिकॉज जब हमें चाहिए तो हम इस तरह से हैंडपम्प से या फिर कुएं से या किसी की हेल्प से भी, या जो नल होते हैं उनसे अपना अपने ही यूज़ के लिए पानी निकाल लेते हैं। लेकिन जब धरती के लिए चाहिए होता है, बारिश आती है, तो वो पानी ऐसे ही ऊपर रह जाता है और बाद में वो गटर में या फिर जो भी सीवरेज होती है सब में वहाँ पर चला जाता है और सारा का सारा पानी वेस्ट हो जाता है। जिसकी वजह से अगर बारिश आ जाती है तो फिर बाढ़ जैसी सिचुएशन होगी, बिकॉज वो पानी जो है पूरा का पूरा ऊपर रह रहा है, और ज़्यादा बारिश आ गई तो पानी सब जगह बह जाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी। और अगर बारिश नहीं आएगी तो भूजल स्तर तो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से अकाल यानी कि सूखे जैसी नौबत आ जाती है। बिकॉज बिना पानी के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमने पानी बहुत यूज़ कर लिया, तो इसकी वजह से जो धरती का पानी है वो भी बहुत नीचे जा चुका है, और ये पानी भी जो है वेस्ट हो जाता है, जो बारिश का पानी आता है, बिकॉज इसके लिए कुछ नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से भूजल स्तर आपका नीचे जाता जा रहा है।